मैं फ्रेश नंदन कुकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज हम मसूर दाल और मेथी और मूंगफली का सब्जी बनाने वाले हैं। तो चलिए मेथी को हम तोड़ लेते हैं फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं हमने मूंगफली को ली हुई है और मसूर दाल लिया हुआ है। तो चलिए मसूर दाल को हम भिगो देते हैं फूलने के लिए। बहुत जल्दी फूल जाता है मसूर दाल। तो हम दूसरा जब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं तो मेथी के पत्ते को तोड़ लेते हैं। तो अपने चलिए मेथी के पत्ते को तोड़ लेते हैं। बस इसे हमें तोड़ना है, कट नहीं करना है। तो कुछ इस तरह से हमें तोड़ना है मेथी के पत्तों को, जो नरम नरम हो उसे ही तोड़ना है, डंठल को नहीं तोड़ना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हम मेथी के पत्ते को तोड़ लेते हैं। तो देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से तोड़ना है। हम तोड़ के इसके बाद इसे धो लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए हमने तोड़ लिया हुआ है, अब हम इसे धो लेते हैं अच्छे से। तो अब हम इसमें धो लेंगे इसे। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसे हम धो लेते हैं। अब हम लहसुन लिए हैं, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ली हुई है, 7 से 8 हमने हरी मिर्च ली हुई है, इसे हम कूट लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसे हम अब कूट लेते हैं। आप देख सकते हैं कूट लेते हैं हम। और अब इसके बाद हम मूंगफली भूनेंगे। तो कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम मूंगफली भून लेते हैं। मूंगफली को हमें भूनकर दरदरा पीस लेना है मिक्सी जार में। तो मूंगफली हमारी भून चुकी है, अब इसे हम निकाल लेते हैं और इसे हम पीस लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने पीस लिया हुआ है, दरदरा पीसा हुआ है, बारीक नहीं पीसना है हमें। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। तो हम डालेंगे तेल कढ़ाई में, हमने सरसों का तेल लिया हुआ है। अगर तेल गर्म हो जाए तब उसमें हम डालेंगे लहसुन और मिर्च जो हमने कूट के रखा हुआ था। तो चलिए हम इसमें डाल देते हैं और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। हमें अच्छे से भूनना है ताकि इसका टेस्ट आ जाए अच्छे से तेल में। तो चलिए इसे हम भून लेते हैं, इसे हम ब्राउन होने तक भूनेंगे। ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना है, हल्का ब्राउन करना है। तो हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे मेथी के पत्ते को, साथ ही हम डालेंगे दाल को। दाल भी फूल गया है, मसूर का दाल। तो हम इसमें मसूर का दाल डाल देते हैं। हम देख सकते हैं फ्रेंड्स अब इसे हम अच्छे से चला लेते हैं। इसे ढककर हमें 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाना है ताकि हमारा दाल और मेथी अच्छे से गल जाए। तो चलिए अब हम फिर से इसे चला लेते हैं फ्रेंड्स। तो हम इसे चला लेते हैं अच्छे से, नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार। नमक ही डालना है और ज़्यादा कुछ नहीं डालना है फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें, बहुत ही जल्दी बन जाती है और टेस्टी भी लगती है। इसे पूरी पराठा रोटी के साथ आप खा सकते हैं, दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। फिर इसे ढक के पकाएँगे थोड़ी देर के लिए। दोबारा से इसे हम चला लेते हैं फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो अब हम इसमें डालेंगे मूंगफली जो हमने पीस के रखी हुई थी, थोड़ा थोड़ा करके डाल देते हैं और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। बाकी के हम मूंगफली डाल देते हैं और बहुत ही टेस्टी होती है फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई करें। एक बार बना लेंगे तो बार बार ऐसे ही बनाना चाहेंगे, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स तैयार हो गया, अब हम इसे सर्व करते हैं फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं